महाराष्ट्र में वर्षा की कमी रबी की बुआई और प्याज को प्रभावित कर रही है। उपभोक्ताओं के लिए संवेदनशील रहने वाली इस चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ने के आसार है। कम बुआई, कम पैदावार और रबी की बुआई में गिरावट की वजह से प्याज कुल फसल 10 से 15% कम रहने का अनुमान है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ेगा। सूत्रों का डर है कि जनवरी में जब रबी की आवक का समय आता है तो प्याज के दाम बढ़ने के आसार रहेंगे। उच्च तेजी के अलावा अब तक दाम नरम है, लेकिन ऐसा अव्यवहारिक निर्यात की वजह से हुआ है। इस वर्ष 2018-2019 के दौरान उत्पादन गिरकर 2 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जिससे लगातार दूसरे वर्ष उत्पादन कम रहेगा। देश में उत्पादित प्याज के करीब 1/3 उत्पादन महाराष्ट्र करता है और राज्य में चुटके मौसम के कारण 2018-2019 के दौरान प्याज की फसल 13-30% कम रहेंगी, क्योंकि रबी सीजन पर ज्यादा असर पड़ेगा। यह फसल जनवरी में बाजार में आएंगी। महाराष्ट्र के प्रमुख लासलगांव और आसपास के इलाके में खरीफ की फसल आना शुरू हो चुकी है। हालांकि एक पकड़े पर नजर आई तेजी नरम हो चुकी है, लेकिन गुरुवार को लासलगांव में फिर से तेजी नजर आई थी। बंद भाव 19 रुपए प्रति किलो रहा, जबकि बुधवार को दाम 11 रुपए प्रति किलो थे। एक स्थानीय व्यापारी के